नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था में वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में हमने प्रथम यूनिट बाल विकास की अवधारणा पढ़ी और इसी के साथ में हमने बाल्यावस्था की कितनी स्टेप होती है, बाल विकास की कितनी स्टेप होती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। और इनके अध्ययन के लिए, बालकों के अध्ययन के लिए तीन विधियाँ थी, उन तीन विधियों का भी हमने अध्ययन किया है। क्षेत्र अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि और जीवन व्यक्ति जीवन इतिहास विधि, इसका अध्ययन किया है। इसी के साथ में हमने बाल विकास के सिद्धांतों, बाल विकास के क्षेत्रों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और उसको बाल विकास की को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार दूसरी यूनिट में आते हैं तो बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया, जिसमें बाल्यावस्था की अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उनको प्रभावित करने वाले कारक और उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ में हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के बारे में भी अध्ययन किया, जैसे एरिक्सन है। तो हमने जाना किस प्रकार बालक का विकास होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण यूनिट थी जो किशोरावस्था है। किशोरावस्था जीवन का सबसे अनोखा और जटिल काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बालक पर अपना कैरियर बनाने की जिम्मेदारी होती है और बालक को ना तो बड़ा माना जाता है ना छोटा माना जाता है। इस स्थिति में उसे कई प्रकार के मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। तो इस समय किशोरावस्था में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वह उसे सही तरीके से गाइडेंस करें। लेकिन क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां बहुत बदल गई, क्योंकि हमारी पारिवारिक संरचना जो संयुक्त परिवार था, हमारी संस्कृति थी संयुक्त परिवार में संयुक्त रूप से रहना, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और वर्तमान में कुछ ही परिवार संयुक्त परिवार में देखे जा सकते हैं। वर्तमान में एकल परिवार का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एकल परिवार का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बालकों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बालकों के सकारात्मक विकास में बहुत बाधा आ रही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक निभा सकता है कि बालकों को सही निर्देशन और परामर्श देकर, बालकों का उचित मार्गदर्शन करके वह उनका एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और यदि शिक्षक इस भूमिका में असफल हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे जो अच्छे नागरिक बनाने का जो हमारी सोच है, हमारा विचार है, उस पर कहीं कहीं धक्का लगेगा। तो अब इस अवस्था में बदलती हुई पारिवारिक संरचना के संदर्भ में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अनिवार्य है। आप खुद एक साल बाद में आप शिक्षक बन जाएंगे और 50% अभी आप शिक्षक बन चुके, तो हमारे दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इन बालकों की आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं के बारे में समझना चाहिए और इस संदर्भ में हम किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शिक्षक को छात्रों की समस्या के बारे में, ठीक है, छात्रों की समस्या के बारे में पता होना चाहिए। यदि छात्र उनसे समस्या बताने में असमर्थ हैं तो उनको प्रोत्साहित करें, उनसे बात करें, जिससे बालक अपनी मन की बात शिक्षक को बता सके। यानी बालकों को समस्या बताने के लिए प्रोत्साहन देना बड़ा कारण। दूसरा, शिक्षक को अपने छात्राओं को इस प्रकार शिक्षण और प्रशिक्षण देना है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, उचित और अनुचित में अंतर समझ सके।
इस प्रकार यदि उसे शिक्षा दी जाती है तो वह बालक वास्तव में अच्छा नागरिक बनेगा। फिर बालक को यह समझाया जाए, हर समय की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो हमें अन्य परिस्थितियों में दूसरों के साथ में किस प्रकार समायोजन करना है और समायोजन करने के बाद में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होगा, वह बालक को समझाना है कि समायोजन करने की उसमें क्षमता का विकास करना है, जिससे बालक क्या कर सके, अपनी समस्याएं उसके सामने समस्या ही उत्पन्न ना हो। फिर आता है छात्र छात्राओं को पाश्चात्य जो संस्कृति की जो बुराइयां हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से परिचित करवाना, क्योंकि बालक वर्तमान में भारतीय संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौड़ रहे हैं, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। अतः हमें चाहिए कि हम उनको अच्छी बातों को भी बताएं और जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं उनके बारे में भी बालकों को इस विषय में बताने, जिससे क्या हो, बालक अपना निर्णय ले सके। तो इस प्रकार शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती और शिक्षक को एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए और सब बालकों के सामने समानता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी बालक आप 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 40 बच्चे ठीक है भाई के, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई प्रॉब्लम है, तो शिक्षक को चाहिए उन 10 बच्चों से बारी बारी से, सबके सामने नहीं, बारी बारी से उनसे बात करें, एक बार सामूहिक रूप से बात करें। यदि बच्चा बताने में समर्थ है सबके सामने तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अकेले में बुलाकर उससे बात करें, उसकी समस्याओं को जानें और उसकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार शिक्षक उस बालक की समस्या को दूर करेगा तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करेगा। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।